साल के भीतर भीतर 5 करोड़ गरीब परिवारों में ये रसोई गैस पहुंचाने का मेरा इरादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब महिलाओं की सुविधा के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की है। गरीब महिलाओं को धुआं से छुटकारा मिल सके, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए जाते हैं, लेकिन सिलीगुड़ी में इस योजना के नाम पर अवैध तरीके से रुपए लिए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्रामीण इलाके की महिलाओं से गैस सिलेंडर के नाम पर हजारों रुपए लिए जा रहे हैं। वहीं कईयों को उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर तो नहीं मिला, लेकिन सब्सिडी मिल रही है। आपको बता दें कि यह मामला सिलीगुड़ी नगर निगम के 46 नंबर वार्ड संलग्न चंपासारी ग्राम पंचायत अंतर्गत सिमुलबाड़ी इलाके की है। सिमुलबाड़ी इलाके की महिलाओं का आरोप है कि उज्ज्वला योजना के तहत पाए जाने वाले गैस सिलेंडर के लिए 500 से 1200 रुपए तक देने पड़े हैं, जबकि इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर देने की बात है। सिमुलबाड़ी की रहने वाली एक महिला ने बताया कि उसने करीब 1.5 वर्ष पहले उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लेने के लिए फॉर्म भरी थी, लेकिन अब तक उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिला। हालांकि पिछले 3 महीने से उनके बैंक अकाउंट पर गैस सिलेंडर के सब्सिडी के रूप में 233 रुपए मिल रहे हैं, यानी उनके नाम का गैस सिलेंडर किसी और को आवंटित करा दिए गए हैं। समस्या तो वही है, गैस में 15 महीने से जमा दिए थे, अभी तक जमा गैस नहीं मिला, मोबाइल में पैसा डूब रहा है 3 महीने से। कितना करके पैसा आ रहा है? 233 रुपए। अच्छा, कब अप्लाई किए थे? अप्लाई आधार कार्ड और राशन कार्ड जमा। उज्ज्वला योजना वाला जी, तो क्या बोला है वहाँ से भरने के बाद? बोला कि ये साल भर के बाद में आएगा, 15 महीना हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ, एक बार ऑफिस में भी गई तो बोला कि देरी होगा। तो क्या, तो अभी सिलेंडर आपको मिला नहीं, पैसा मिल रहा है, तो इसके लिए बताए किसी को? हाँ, मतलब वही ऑफिस का जो मेंबर है उनको, उनसे बात किए थे, व्हाट्सएप में उनको फोटो भी भेजे थे अपना आधार कार्ड, बोला कि ये थोड़ा देरी होगा। लेकिन हमको 3 महीने मोबाइल बंद था, सिम बंद था, रिचार्ज नहीं था उसमें, तो हमको पता नहीं चला। अभी हम रिचार्ज किए हैं तो उसमें देखते हैं 3 महीने से पैसा डूब रहा है। माने आपके नाम पे ऑलरेडी किसी को गैस मिल गया? हमको वो नहीं मालूम है, लेकिन मेरा मोबाइल में जो पैसा डूब रहा है तो इसीलिए हमको प्रॉब्लम हो गई। अगर हमको चेकिंग पैसा तो तभी ढूकेगा ना जब कोई आपके जगह पे ये लेके दूसरे जगह, अगर आपका नाम पे सिलेंडर कोई चला रहा है उसको रिफिल करवा रहा है, तभी तो आपके अकाउंट में पैसा ढूक रहा है। तो आपका सिलेंडर किसी और को मिल गया? जी हाँ, हमको मतलब मोबाइल में पैसा ढूक रहा था, अभी हमको संभावना हुआ कि जो हमको सिलेंडर आ गया है। और आपका सिलेंडर किसी और को मिल गया? हमारा पास में सिलेंडर नहीं मिला। वहीं इलाके की कुछ और महिलाओं ने बताया कि उन्हें उज्ज्वला योजना वाली गैस सिलेंडर लेने के लिए 500 से 1200 रुपए तक देने पड़े हैं, बदले में उन लोगों को कोई रसीद भी नहीं दी गई है। महिलाओं ने बताया कि देवी डांगा स्थित गैस वितरक को दिए गए हैं। अच्छा, आपने की उज्ज्वला योजना पे छे? আমার বড় বৌমা করেছে, এখনো পাইনি। আচ্ছা, এই যে শুনতেছেন যে টাকা নেওয়া হচ্ছে? হ্যাঁ, এখন তো শুনতেছি এগুলো, কিন্তু যারা যখন টাকা দিয়েছে কেউ কাউকে বলেনি, এখন জানা জানি হলো। তা আমি চাচ্ছি এরা সবাই গরিব মানুষ, এদের থেকে যে টাকাটা নেওয়া হয়েছে সেই টাকাটা যেন স্ব ইচ্ছা ফেরত দেওয়া হয়, তাহলে আমরা উপকৃত হব। আচ্ছা, তো ये जो उज्ज्वला योजना है तो फ्री है, तो इसमें पैसा लिया जा रहा है? पैसा नहीं लेना चाहिए, अभी हम लोगों को जानकारी मिला, इस वजह से आप लोग को सूचित करना हम अच्छे समझे। तो इसको लेके क्या करेंगे आप लोग आगे? देख लीजिए आप लोग को क्या करना है, ताकि प्रधानमंत्री को ये सूचना मिल जाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यही कर सकते हैं। कितने दिन पहले उज्ज्वला योजना अप्लाई किए थे? 1 बच्चर आगे। तो यही जो 1 बच्चर आगे आपने अप्लाई कर चलें, उज्ज्वला योजना फ्री थे पापा जी, जानते कत टाका दिए? 630। কে নিয়েছে? বিয়াজলা কই দিয়ে থাকে অফিস থেকে। কোথায় অ্যাপ্লাই করছিলেন? দেবিডাঙ্গা। কি নাম কাকু দিয়েছেন? আমি অ্যাপ্লাই করতে এখানে গ্যাস গোডাউনে। গ্যাস গোডাউন অনলাইন করেছিলেন না অফলাইন? অফলাইন। তো টাকা কাকে দিয়েছেন? টাকা ওই যেখানে গ্যাস অফিসে দিয়েছে দেবিডাঙ্গা ওইখানে নিয়েছে 630। আচ্ছা, কোনো স্লিপ দিয়েছিল? কোনো স্লিপ দেয়নি, গ্যাস দিয়েছে, বই দিয়েছে, শুধু গ্যাস আর বই দিয়েছে। এই যে 630 টাকা নিল, ওর কোনো স্লিপ দেয়নি, সিলিন্ডার পেয়েছো? কি টাকা পয়সাও নেওয়া হয়েছিল? কত? কোন স্লিপ দেওয়া হয়েছে? কোথায় অ্যাপ্লাই করছিলেন? কতদিন আগে? 1 বছর আগে। আর টাকাটা কখন নিল? টাকাটা একটু 1.5 মাস আগে। মেরে 600 লিয়া। 600 কাহাঁ পে লিয়া? দেবিডাঙ্গা।
अच्छा वहीं पे अप्लाई किए थे। ये जो 600 रुपया दिए इसका कोई आपको स्लिप दिया? स्लिप स्लिप क्या ही नहीं दिया हमको, बुक दिया, बुक मानी नाम गड़बड़ है, बुक है मेरा घर में, रास्ता में दिया है, सही रास्ता में हम ऑफिस ऑफिस कहीं नहीं देता, रास्ता में पैसा दिया, घर में पैसा दिया, हमारे गैस सिलेंडर किसको दिए पैसा? यहाँ हमारा बगल में बाबू को बंगाली। अच्छा तो वो जो पैसा लिया तो कोई स्लिप या बताया नहीं कि किस कारण से पैसा ले रहे हैं? ना ना हमको नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, फॉर्म आया फिल अप करके फिर जमा दिया, फिर जब गैस आया तो बुलाया तो पैसा लेके जाना जाने के लिए बोला 800 रुपया, तो हम 800 रुपया दिया, फिर गैस दिया, गैस चूल्हा और सिलेंडर दिया, उसके लिए 850 रुपये लिया, 850 नहीं 800 रुपये। उसका कोई बिल दिया? ऐसे तो कोई बिल नहीं दिया, बस वो गैस का वो बुक दिया है। नहीं ये जो 800 रुपया लिया किस कारण से लिया, इसका कोई स्लिप दिया था? स्लिप नहीं दिया, पैसा का स्लिप नहीं दिया, ऐसे तो गैस का बुक दिया, गैस का बुक दिया, पैसा का वो स्लिप नहीं दिया, बोला भी नहीं जो किस कारण से ये 800 रुपया लिया गया? नहीं कुछ कारण नहीं बोला। कितने आदमी से इस तरीके से लिया गया पैसा? पहले तो क्या अंगुल साफ दिया है तो 50 रुपया करके लिया, फिर 800 लिया, गैसेर बोयो आछे। कत टाका पेयेछे, कत गैस टा नेबार जन्य कि टाका उनी भावेछिल? कत टाका? 900 टाका। के नियेछे? अफिस थेके। তো গ্যাসটা তো ফ্রি জানেন না? না। কি অফিস থেকে কে নিল, কোথায় নিল? দেবীগঙ্গা অফিসে বসে একটা মহিলা। কি বলে নিল? বলল যে গ্যাস নিবার জন্য বলে আগে টাকা দিতে লাগে, তারপরে গ্যাস। কত টাকা? 900 টাকা। কতদিন আগে দিয়েছেন? 3-4 মাস আগে। তারপরে গ্যাসটা পেয়েছেন উজ্জ্বল। अब सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट उज्ज्वला योजना के नाम पर गरीब महिलाओं के साथ ठगी और धोखेबाजी क्यों हो रही है? क्या आरोपी एजेंसी संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी? अब इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है।